हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल में जिस भाषा में चाहें उस भाषा में टाइप कर सकते हैं। जैसे कि आपने अधिकतर देखा होगा कि आप अगर किसी भाषा में टाइप करना चाहते हैं तो आप उसमें टाइप नहीं कर पाते हैं। आप सोचते हैं हो सकता है कि आपके मोबाइल में ही वो कमी हो, पर ऐसा नहीं है। हर एक मोबाइल में, जितने भी सादा मोबाइल की बात नहीं कर रहा, जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं आजकल, उन सभी में हर एक भाषा आती है। बस पहले से ही इंग्लिश कस्टम होती है, इसलिए इंग्लिश में टाइपिंग होती है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप किसी भी भाषा में टाइप कर सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं टाइप। सबसे पहले अपने मोबाइल की सेटिंग खोलिए, जैसे कि मैं खोल रहा हूँ। अब ये लिखा लैंग्वेज एंड इनपुट, इस पर जाइए और फिर यहाँ पर देखिए वो ये लिखा है पर्सनल डिक्शनरी, और ये जिसे इसे सब छोड़िए। लैंग्वेज भी यहाँ से अगर हम लैंग्वेज चेंज करेंगे तो हमारे जो मोबाइल की लैंग्वेज वो चेंज हो जाएगी, इसे हम चेंज नहीं करना। ये जो लिखा है करंट कीबोर्ड, जैसे कि करंट कीबोर्ड जब क्लिक मारेंगे तो ये तीन ऑप्शन आएंगे, जैसे कि इंग्लिश एंड्रॉयड और हिंदी एंड्रॉयड। पर इन्हें हमें ओके नहीं करना, हमें सिर्फ जो ये लिखा है मॉक्स कीबोर्ड, ये हर एक मोबाइल में होता है। जैसे हमारा इंटेक्स का, तो इंटेक्स मॉक्स कीबोर्ड आपका जिस किसी सैमसंग किसी का भी होगा तो उस पर लिखा, उसका नाम लिखा होगा, उसके बाद लिखा होगा मॉक्स कीबोर्ड। तो मॉक्स कीबोर्ड को चुन लेना है और उसे ओके कर देना है, बस जैसे ही हमारा है पहले से। और आप चाहें तो यहाँ से अपनी कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने अपनी दो इंग्लिश और हिंदी कर रखी है। आप चाहें तो ऐसे क्लिक मारेंगे, आप जितनी चाहें उतनी, हर एक लैंग्वेज इसमें, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज आप यहाँ से चालू कर सकते हैं। और अगर आपके में ये ऑप्शन नहीं भी आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अगर आपका मोबाइल सस्ता है तो आपके में हो सकता नहीं आता हो ऐसा ऑप्शन। तो आप सबसे पहले मॉक्स कीबोर्ड को सेलेक्ट कीजिए। अब जैसे कि आपने मॉक्स कीबोर्ड सेलेक्ट कर लिया, अब आपको अपना जो कीपैड है उसे निकालना है। तो उसे निकालने के लिए हमें पहले कुछ खोलना पड़ेगा, जैसे कि हम अपना व्हाट्सएप खोलते हैं। जैसे कि मैंने व्हाट्सएप खोल लिया, अब जैसे मैंने किसी को मैसेज भेजना चाहता हूँ, तो देखिए अभी अभी हमारी इंग्लिश आ रही है, अभी हम इंग्लिश लिख सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि मैंने दो भाषा सेलेक्ट कर रखी है, इंग्लिश और हिंदी। तो ये जो यहाँ से जो सबसे नीचे जो गिनती लिखी हुई है 1 2 3, उसके बाद ये तीसरे नंबर पर जो पृथ्वी छपी हुई है उस पर क्लिक मारेंगे तो ये यहाँ पर हिंदी आ जाएगी। देखिए हिंदी आ चुकी है, आप यहाँ से हिंदी भी लिख सकते हैं। अब जैसे कि आपको जौन सी भाषा पसंद है या जौन सी भाषा आती है, जिस भाषा में आप लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको करना होगा कि सबसे पहले जो इंटेक्स लिखा है उस पर हम थोड़ी देर प्रेस करेंगे। देखिए अब जब मैं थोड़ी देर प्रेस किया तो फिर दुनिया की सभी भाषाएं मेरे सामने आ गई। दुनिया की नहीं, मतलब मैं जैसे कि नेट में जब हमारी ईमेल आईडी खुली होती तो नेट, तो फिर मोबाइल स्वयं जान लेता है कि हम अभी कहाँ पर हैं। जैसे इंडिया में, तो इंडिया की जितनी भाषाएं वो इंडिया की सारी भाषाएं देखिए यहाँ पर आ चुकी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से इंग्लिश तो एक कस्टम भाषा है, हर एक मोबाइल में इंग्लिश तो जरूरी होती है। फिर देखिए ये दुनिया हमारे देश की भाषाएं हैं, आप जहाँ के होंगे वहाँ जानते होंगे। हिंदी जैसे है हमारी, गुजराती, कश्मीरी, कोरकी, मैथिली, मराठी, नेपाली। और हमारी ये देखिए, ये आपको बहुत कम मोबाइल बहुत कम जगह मिलेगी, पर देखिए ये हमारी यहाँ से अगर प्रेस करेंगे तो हमारी सबसे महत्वपूर्ण भाषा माना तो हिंदी की जननी, हमारी जो संस्कृत भाषा है, हमारी संस्कृत भाषा भी यहाँ पर आ रही है। तो संस्कृत भाषा भी हमारी है, और ये संताली, सिंधी, सिंधी भाषा भी देखिए यहाँ पर आ रही है। तो आप जो सी भाषा चाहें वहाँ यहाँ से चुन सकते हैं। जैसे कि अब मेरा मन है जैसे हिंदी, तो हिंदी देखिए। हाँ देखिए यहाँ पर ये तीन ऑप्शन देता है, एक इंस्क्रिप्ट, एक फोनेटिक, एक शिफ्टलेस। तो आप जैसे आपको हमेशा ऊपर वाले पर क्लिक करना है, अगर आप नीचे जैसे ऊपर वाले क्लिक करेंगे, ऊपर वाले क्लिक करना है तो हमेशा इस तरह की आएगी। अगर आप जैसे कि जब बीच वाले क्लिक करेंगे तो फिर देखिए इस तरह की आएगी, इंग्लिश हिंदी दोनों इकट्ठी आ जाएंगे एक एक साथ। और आप बता दें, और अगर आप सबसे लास्ट में क्लिक करेंगे तो फिर एक नया फंक्शन आ जाएगा। तो फिर देखिए, तो फिर हमारा इस तरह का पूरा कीबोर्ड एक ही बार में खुलेगा इस तरह का। अगर आपको ये पसंद है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और आपको बताते हैं कि आप, और आपको
जौन सी भाषा चाहें वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको जौन सी भाषा आती हो वो लिख सकते हैं। तो अपने आप इंग्लिश कर लेते हैं वापस, तुम्हारी अब इंग्लिश आ गई। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको जैसे यहाँ से किसी बात को ट्रांसलेट करना है तुरंत तुरंत, तो आप यहाँ से तो आप इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। जैसे कि ये है, शिफ्ट लेस पर क्लिक मारेंगे तो ये देखिए, ये TL और TR ये ट्रांसलेट है, मतलब TL है वो इंग्लिश से हिंदी को ट्रांसलेट करेगा और TR है वो हिंदी से इंग्लिश में। इसके मैं क्लिक मारता हूँ तो अब ये बता रहा है कि प्लीज़ लॉन्ग प्रेस ट्रांसलेट, तो हम लॉन्ग प्रेस करेंगे। अब ये बता रहा है कि चेक योर इंटरनेट, क्योंकि हमारा इंटरनेट कनेक्शन बंद है। देखिए डाटा कनेक्शन हमारा बंद है इसलिए अभी काम नहीं, इसके लिए डाटा कनेक्शन होना ज़रूरी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और आप इससे किसी भी भाषा में टाइप कर सकते हैं, जो सी आपको भाषा अच्छी लगती हो उसमें आप टाइप कीजिए। धन्यवाद।